वेलकम टू अ चैनल टेक मेकैनिकल एंड इलेक्ट्रिकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आगरतला एन आई टी आगरतला का तरफ से एक लेटेस्ट परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है ये ऑल इंडिया परमानेंट जॉब है इंडिया का हर स्टेट से आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसमें डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए आई टी आई पास स्टूडेंट के लिए बी टेक पास स्टूडेंट के लिए एम एस सी पास स्टूडेंट के लिए बी एस सी पास स्टूडेंट के लिए वेरियस पोस्ट में इसमें रिक्रूटमेंट निकल के आया है तो इसमें टोटल दो रिक्रूटमेंट निकल के आया है आप देख सकते हैं रिसेंट न्यूज सेक्शन में जब भी आप लोग आएंगे नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिस आप लोग का आया है इसमें ग्रुप ए पोस्ट का भी रिक्रूटमेंट आया है अलग अलग पोस्ट पर और ग्रुप बी और ग्रुप सी सी में भी रिक्रूटमेंट आया है सबसे पहले आप देख सकते ग्रुप ए का पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट आया है उसका नोटिफिकेशन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है डेपुटी रजिस्टर डेपुटी लाइब्रेरियन असिस्टेंट रजिस्टर्ड असिस्टेंट लाइब्रेरियन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग सीनियर मेडिकल ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट्स एस एस ऑफिसर साइंटिफिक ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर के लिए इसमें रिक्रूटमेंट निकल के आया है कितना रिक्रूटमेंट आया है नंबर ऑफ पोस्ट भी आप देख सकते हैं ओके okay, इसका बाद जो आई टी स्टूडेंट के लिए डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट आया है वो मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन आया है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए सबसे पहले आप लोग और, और आप लोग को कौन सा पे लेवल में आप लोग को सैलरी मिलेगा वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा कितना नंबर ऑफ सीटें ये भी आप देख सकते हैं सबसे पहला पोस्ट सुपरिंटेंडेंट ग्रुप बी का अंदर आता है पे बैंड टू ग्रेड पे बयालीस और आप लोग को लेवल सिक्स पर सैलरी मिलने वाला इसमें टोटल पाँच पोस्ट है इसके बाद पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं एक पोस्ट है इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है इसमें सात पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इन्जिनेर, सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दो पोस्ट है इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चार पोस्ट है इसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसके लिए सात पोस्ट है इसके बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंट के लिए पांच पोस्ट है एस असिस्टेंट के लिए दो पोस्ट है फार्मासिस्ट के लिए एक पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट के लिए ग्यारह पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए दस पोस्ट है इसके बाद सीनियर असिस्टेंट के लिए छह पोस्ट है टेक्नीशियन जो आई टी स्टूडेंट के लिए अठारह पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन ये भी आई टी स्टूडेंट के लिए डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इसमें नाइन पोस्ट है ठीक है इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक करना पड़ेगा 30 सितंबर का अंदर 30 सितंबर का अंदर आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा और ये रिक्रूटमेंट 2019 साल में आया था कोई भी स्टूडेंट अगर 2019 साल में इसमें अप्लाई किए थे उसको फिर से अप्लाई दोबारा करना नहीं पड़ेगा ठीक है तो आप लोग को सेम रिक्रूटमेंट जो आया था वही रिक्रूटमेंट आप लोग को फिर से रीओपन किया गया है इसमें आप देख सकते हैं आप लोगों का जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो आपको बताया गया है तो आई टी स्टूडेंट के लिए जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं अनडिजर्व के लिए साथ है एस के लिए तीन एस के लिए छः पोस्ट है और ई के लिए दो पोस्ट इधर है ठोके ठीक है इसका बाद सीनियर टेक्नीशियन जो पोस्ट है आई टी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए अंडी स के लिए चार पोस्ट है एस के लिए तीन एस के लिए एक और ई के लिए एक पोस्ट आप लोग को रिजर्वेशन रखा गया है ओके इसका बाद इसके लिए जो भी आप लोग को एप्लीकेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग का थ्रू आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा जनरल ई और ओबीसी कैंडिडेट के लिए पाँच सौ रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा और एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए अढ़ाई सौ पेमेंट करना पड़ेगा और पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए को, कोई भी पेमेंट आप लोग को करना नहीं पड़ेगा ठीक है इसका बाद इसके लिए आप लोग को क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा वो भी आप देख सकते हैं जो टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट है इसके लिए कौन सा कौन सा आप ब्रांच या कौन सा कौन सा आप लोगों का डिग्री एलिजिबल आप देख सकते हैं तो डिग्री और डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड इंक्लूड्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग तो इतना सारा आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट है इधर से अगर आप लोग डिग्री किया है मतलब बी किया है या अगर आप लोग डिप्लोमा किया है तो अभी आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पर फॉर्म डाल सकते हैं इसका जो टेक्नीशियन पोस्ट है इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट भी डाल सकते हैं तीन साल का जिसके पास डिप्लोमा है और आईटीआई अगर आप लोग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी ट्रेड होता है जैसे फिटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर ये सभी ट्रेड में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग इलेक्ट्रिकल uh, या अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन से है भी आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड बायो इंजीनियरिंग तो ये सभी डिप्लोमा का ब्रांच है तो इसका अंदर जो भी आई का ट्रेड आता है सभी आई टी आई ट्रेड इसमें एलिजिबल है तो आप बोल सकते हैं आई टी वर्ल्ड ट्रेड इसमें एलिजिबल है ओके इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन जो पोस्ट है सेम टू सेम जो आप लोगों को टेक्नीशियन के लिए है वैसे ही डी सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल है इसमें डिप्लोमा स्टूडेंट भी एलिजिबल कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं और आई स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बायो इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं ओके okay, इसका बाद आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को कितना पोस्ट है कौन सा क्लासिफिकेशन आप लोग को क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जो है जूनियर इंजीनियर एस एस असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट ये जो पोस्ट है इसके लिए एज लिमिट थर्टी ईयर्स रखा गया जनरल स्टूडेंट के लिए जैसे ओ स्टूडेंट के लिए पाँच तीन साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और एस सी एस टी स्टूडेंट को पाँच साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा जूनियर इंजीनियर के लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास बीई या बीटेक होना पड़ेगा सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर एक क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप लोग को फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना पड़ेगा सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ओके okay, इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट है इसमें अप्लाई करने के लिए थर्टी ईयर्स आप लोग को जनरल स्टूडेंट का एज होना पड़ेगा और इसमें आप लोग को फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बी या बी होना पड़ेगा या एम इन रेलिवेंट सब्जेक्ट आप लोग को होना पड़ेगा या अगर आप लोग का पास अगर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग से जो भी आप लोग को मांगा गया जो इंजीनियरिंग से मांगा गया है तो वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद जो बैचलर डिग्री इन साइंस अगर आप लोग को है फर्स्ट क्लास है तो अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर मास्टर डिग्री इन साइंस से है एटलीस्ट आप, आप लोग को फिफ्टी परसेंट मार्क्स है तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप लोग को क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आप लोग देख लेना आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन तो टेक्नीशियन पोस्ट में फॉर्म फिल करने के लिए अनडिजर्व कैटेगरी का मैक्सिमम एज ट्वेंटी सेवन ईयर रखा गया है ओके एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट आप लोग का साइंस स्ट्रीम से होना पड़ेगा और आप लोग का एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट मार्क्स अगर है तो आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं एक क्वालिफिकेशन अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग का इंटरमीडिएट में फिफ्टी परसेंट मार्क्स चाहिए कोई भी स्ट्रीम से अगर आप लोग इंटरमीडिएट किए हैं उसका बाद अगर आप लोग एक साल या एक साल से ज़्यादा आई आई कोर्स किए हैं तो भी आप अप लोग अप्लाई कर सकते हैं ए भी क्वालिफिकेशन अगर आप लोग के पास नहीं है तो टेंथ में आप लोग का सिक्सटी परसेंट मार्क्स चाहिए और दो साल का आईटीआई सर्टिफिकेट आप लोग का चाहिए ओके ए भी क्वालिफिकेशन अगर आप लोग के पास नहीं है तो तीन साल का आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए जो भी इंजीनियरिंग आप लोग का ब्रांच से मांगा गया है वही सब ब्रांच से अगर आप लोग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तब भी आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं इसका बाद जो सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट है इसके लिए भी सेम टू सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप का रखा जाता है तो फॉर्म फिलअप कैसे करना पड़ेगा मैं आप लोग को कल एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो सभी स्टूडेंट फॉर्म को जरूर फिल कीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल करते क्योंकि सबसे पहले तो होता है इसका एप्लीकेशन फॉर्म फी ज़्यादा होता है इसीलिए फॉर्म फिल नहीं होता है तो आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो आप लोग के लिए अच्छा मौका रहता है तो बाकी चीज़ आप लोग को डिपेंड करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आने वाला हार्ड टेक्निकल जब को आप लोग, लोग सबसे पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा चैनल से आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय